ठीक है, मैंने प्रोजेक्ट ओपन करा। ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे ये देखो कि मेरे पास ये वापस ये फोल्डर आ रहा है टर्मिनल पे, ठीक है ना। कि मेरा पाथ ये मैंने आपको पहले बताया था कि मैं यहाँ पे जब चलाते हैं हम तो हम क्या लिखते हैं, PHP आर्टिसन सर्फ। एंटर करा, मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, एक URL आ गई है। इसको मैंने कॉपी करा, कॉपी करने के बाद ब्राउजर के ऊपर यहाँ ले जाके मैंने पेस्ट कर दिया और मेरे पास ये आ गया, ठीक है। मैंने कहा था मैं नेविगेशन बार बनाऊंगी क्योंकि हम अभी जो चला रहे थे वो ऐसे चला रहे थे, सही है ना। हमारे पास ऐसे चल रहा था और हमारे पास नेविगेशन पे अभी कोई काम नहीं हुआ हुआ, ठीक है। नेविगेशन पे काम करने के लिए मैंने आपसे कहा था कि आपके पास जो बना हुआ है मास्टर लेआउट, ये लगा है ना, मास्टर लेआउट, ठीक है। इसके अंदर नेविगेशन पे आ जाओ। मेरे पास नेविगेशन में एक तो नेव बार है, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है ऑनलाइन मेडिसिन, ठीक है, ये मैंने लिखा। इसके बाद मेरे पास होम पेज है, ये स्पैन करके मैंने यहाँ पे इसका ये हटा दिया करंट। और ये मेरे पास जो लिंक है इस वाले लिंक को मैंने यहाँ पे चेंज करना है, एक पे मैंने रखना है अबाउट। इसको यहाँ से कट कर रही हूँ क्योंकि वो ड्रॉप डाउन आ रही है ना ये वाली, इसको यहाँ नीचे रखूंगी मैं, ठीक है। एक पे मैंने लिख दिया अबाउट, एंटर करा। यहाँ पे मैंने लिखा इसको कॉन्टैक्ट, सेव करा, रिफ्रेश करा। होम ड्रॉप डाउन वैसे ही है, अबाउट इन कॉन्टेक्ट। अच्छा, इसी ऊपर अभी मैंने कुछ नहीं करा। यहाँ पर अगर मैं इसको करूँ, मैं स्लैश, मैं यहाँ लिख रही हूँ अबाउट स्लैश कॉन्टैक्ट, ठीक है। और हमने किसकी बनाए थे, कैटेगरी बनाई थी ना, तो हमारे पास कैटेगरी जो है ना वो ये कैटेगरी, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं मेडिसिन कैटेगरी, ठीक है। एक्शन 1 एंड 2 उसको छोड़ दो, और होम है तो होम में मैं सिर्फ यहाँ पे क्या लगा रही हूँ, स्लैश, ठीक है, और कुछ नहीं लगाया मैंने। अबाउट कॉन्टैक्ट होम, ठीक है, मेडिसिन कैटेगरी भी कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है। मेडिसिन कैटेगरी में जब मैं यहाँ जाऊंगी तो वो आईडी लेके जाएगा या जो लेके जाएगा वो आगे पास करेगा, वो बाद की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो कि ये हमारे पास हो गया एक्शन 1 एंड एक्शन 2। एक्शन 1 एंड एक्शन 2 में होता ये है कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी कैटेगरी है ना तो वो पर्टिकुलर कैटेगरी के साथ उसकी आईडी लेके जा रहा होता है, सही है। अच्छा, तो मेरे पास यहाँ पे अबाउट हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया, और मेरे पास यहाँ क्या हो गया, होम हो गया, सही है। ये मैंने आईडी पास करी है। अच्छा, जो सर्च बार का नीचे फॉर्म बना हुआ है ना, मैंने यहाँ पे सर्चिंग नहीं लगानी, मैंने फॉर्म यहाँ से हटा दिया, ठीक है। ये हटा दिए इधर से। और यहाँ पर ऑनलाइन मेडिसिन के ऊपर भी मैंने स्लैश लगाया है कि आप होम पे ही रिडायरेक्ट करो। अच्छा, जहाँ ये यूएल खत्म हो रही है ना उसी के नीचे मैंने एक और यूएल लगानी है। क्या लगानी है, एक और यूएल, यहाँ पे ये रखा मैंने और इस वाले पे मैंने रखा है लॉगिन। यहाँ आ गई मेरे पास, और ये मेरे पास एक्शन 1
डायरेक्शंस, सही है? बात समझ में आई? टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन। एक और बना लिया ना मैंने, ये एक और एंकर बना लिया ना इसी के अंदर। हाँ, 1 2 3 दिया। अभी फिलहाल ऐसे लिखा है, इसको लिखने का सही पैटर्न जब हम इसकी वो बनाएंगे ना कंट्रोलर की क्लास मेडिसिन की, फिर वो सही बनेगा। सही है, उसमें मेडिसिन ऐड होना उसकी कैटेगरी, वो फिर वहाँ डिफाइन होगी। और यहाँ मैंने साइड में लॉगिन भी बनाया है। यहाँ में मेरे पास ये पेज हो गया, होम पेज में मेरे पास स्लाइडर आएगा, ठीक है? तो जो आपका इंडेक्स का पेज है जहाँ ये हेडिंग लगी हुई है, आ रही है नजर? इसको मैंने यहाँ से मिटाया, ठीक है? अब इसके अंदर मेरा कंटेंट है या जो भी मैंने यहाँ लिखना है वो बूटस्ट्रैप 4-, कैरोसेल डिफॉल्ट आ रहा है नजर, ये मैंने लगा दिया। सेव करा, रिफ्रेश करा, ठीक है? फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड यहाँ पे की चलेगी, ठीक है? कैरोसेल B4- कैरोसेल, B4- कैरोसेल, ये लिखा B4CARO, यहाँ आ गया कैरोसेल डिफॉल्ट, इसको सेलेक्ट करा, ऑटो कोड हो गया मेरे पास। अब इधर मुझे जो चेंजेस करनी है वो ये करनी है, यहाँ सोर्स करना है और ये मैंने सोर्स यहाँ से मिटाना है। डाटा सोर्स को हटाकर सिर्फ सोर्स लिखना है और ये पिक्चर यहाँ से मैंने रिमूव कर दी। कितनी पिक्चर्स हैं यहाँ पे? 3 है, बात समझ रहे हो? अब 3 पिक्चर्स आप उठाओगे और प्लेस कहाँ करोगे? पब्लिक का जो फोल्डर है ना, ठीक है, इधर 3 इमेजेस का फोल्डर बना के यहाँ रखनी है पब्लिक के फोल्डर में। अब मैं जा रही हूँ यहाँ पर बैक पे, इधर रैम HTDoc ऑनलाइन मेडिसिन पब्लिक का फोल्डर, यहाँ मैं बनाऊंगी न्यू फोल्डर इमेजेस, ठीक है? और इसके अंदर मैंने 3 स्लाइडर की पिक्चर रखनी है, ठीक है? इधर एक और बना लो स्लाइडर, इसके अंदर रख लो, ठीक है? हेडिंग हटा दो ना, होम की होम की हेडिंग हटा के इसके अंदर लिख लो। Thank you.
मेरे पास यहाँ पे तीन पिक्चर है, ठीक है, और मैंने ये तीन की तीन सेव कर, ये मेरे पास यहाँ पर मैंने डेटा हटा दिया था, डेटा डैश जो लगा हुआ था मैंने सोर्स रहने दिया था। अब मेरे पास जो पिक्चर का पाथ है वो क्या है, इमेज जिस स्लैश स्लाइडर स्लैश पहली वाली एस वन डॉट मेरे पास पी एन जी है, ठीक है। दूसरी मैंने यहाँ लिखी, दूसरी मेरी जो है वो पी एन जी नहीं है, जेपीजी है, ठीक है। इसी तरह जो मेरी तीसरी पिक्चर है एक एस टू है और एक एस थ्री है, ठीक है, टू और थ्री दोनों जेपीजी है। पब्लिक के अंदर इमेजेस, इमेजेस के अंदर स्लाइडर और स्लाइडर के अंदर तीन पिक्चर रखी है। पब्लिक के अंदर इमेजेस का फोल्डर है, इमेजेस के अंदर स्लाइडर का फोल्डर है, स्लाइडर के अंदर तीन पिक्चर रखी हुई है, ठीक है। और मैंने ये तीनों यहाँ पे लगा दी। और भी
मल्टीप्लाई बाय टू, टैब प्रेस किया मैंने, दो हो गए मेरे पास, एक में मेरे पास फॉर्म आ जाएगा और एक में मेरे पास क्या आ जाएगा, मैप आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आई बात। यहाँ पे आप मैप लगा दें, ठीक है ना, ये मैप के टैग से मैप नहीं लगेगा, ये आई फ्रेम करके लगेगा, ठीक है, वो कहीं से कॉपी कर लेना और कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेना और यहाँ पूरा कॉन्टेक्ट फॉर्म डिजाइन करोगे, समझ में आ रही है बात। हाँ, अब कॉन्टेक्ट पेज है जो भी है वो तुम्हारा यहाँ हेडिंग रखने के बाद नीचे यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म आएगा, आधे पे तुम्हारा मैप आएगा, कोई भी हमारे पास है, ठीक है, मैं इस पे आ गई, ठीक है, कि कोई भी मेरे पास ये है इसमें आओ, आके शेयर करो, ठीक है, और यहाँ से ये जो था ना एम्बेड मैप, इसको उठाओ, कॉपी एचटीएमएल करा, कट करा मैंने और उठाकर यहाँ पे पेस्ट कर, ठीक है, यहाँ एंटर करा, इसको मैंने कर दिया यहाँ पे 100% विद, वैसे ही रहने दो, बॉर्डर वॉर्डर जो लगा हुआ है उसको वैसे ही रहने दो, ये आई फ्रेम लगा हुआ होता है मेरे पास, क्या कंटेंट लिफ्ट के नीचे, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ मैंने आके रिफ्रेश करा, मेरे पास यहाँ पे मैप लग जाएगा, ये लग गया यहाँ पे, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ लग गया, इधर मेरे पास फॉर्म लगेगा, डिजाइन करके यहाँ फॉर्म लगाएंगे। 100% तो याद रखना चाहिए ना, यासीन।